बहुत गर्मी है, पर अभी देखिए मौसम एकदम बढ़िया हो गया है यार। चुरचुरा में खाली मेरा पेट फैल चुका है, अभी गुंजाइश है क्या कुछ खाने की? मौसम ऐसा हो रहा है तो थोड़ा कचौरी, मतलब सीरियसली आपके पास गुंजाइश है? मेरा पेट इतना बड़ा उसमें जगह नहीं, और आपके इस समोसे कचौड़ी और क्या गुलाब जामुन। यार गुलाब जामुन तो ना मेरा खाने का मन है, और यहाँ पे पास में एक जगह है गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनते हैं सच्ची, और ये है बड़े बड़े गुलाब। तो एक काम करते हैं, आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, ठीक है? चलिए चलो जी। आप तो बोल रहे थे कि हम गुलाब जामुन और कचौरी खाने आए हैं, आप तो मंदिर में ले आए हैं प्रसाद खाने के लिए क्या? देखो जी, एक रीज़न है यहाँ पे आने का, और यहाँ पे ये जो मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन इसके बिल्कुल चार दुकानें छोड़ के ऐसी दुकान है जहाँ पे समोसे कचौड़ी गुलाब जामुन मिलेंगे, और वो आज से नहीं मिल रहे, 60 साल से मिल रहे। तो एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए और आपको मैं ऐसे कचौड़ी, ऐसा गुलाब जामुन, ऐसा समोसे खिलाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। और समोसे के साथ मिलती है छोले चटनी, बिल्कुल कचौड़ी के साथ मिलते हैं आलू की सब्जी, और गुलाब जामुन के साथ मिलता है रस, ऑब्वियसली सही। आइए जी, तो आपको सामने दुकान दिख रही है, समोसे की खुशबू आ रही है, मास्क के थ्रू भी आ रही है, और मेरा मन जो अपना आप बोल रहे थे चुरचुर नान, मुझे पता नहीं अभी तो कहाँ खत्म हो गए हैं, सही चाहिए अभी। तो आप पहले ये देखिए, मतलब गुलाब जामुन की बरसात लगी हुई है बहुत ही बढ़िया तरीके से, साथ में समोसे इनके बहुत ही बढ़िया करारे हैं, अंदर सब्जी बढ़िया है, और साथ में है इनकी कचौड़ी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खा चुका हूँ बहुत बार, और बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आप अकेले अकेले खा चुके हैं और आपने मुझे नहीं बताया। तो ये मैं पहले आ चुका हूँ, अब मैं आपको लेके आया ना, तभी तो यहाँ पे। हाँ, पहले क्या खाएंगे, समोसे या कचौड़ी? बड़ी टफ चॉइस है, बट मैं कहूँगी एक प्लेट कचौरी और एक प्लेट समोसा, दोनों ही क्यों नहीं। सही, तो पहले भैया एक प्लेट कचौड़ी दे दीजिएगा। आप देखो हमें लेके आए कचौरी वाली दुकान पे, बिल्कुल, और हमने करवा दी है बारिश, आप देख लो, ये देख लो, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और सुन ली आपकी, सुन ली आपकी, बढ़िया वाली बारिश होने वाली है। परफेक्ट, तो उठाए कचौड़ी हम, बिल्कुल। चको जी, ये हुई कचौड़ी, तो ये इनकी खस्ता कचौड़ी है खास, और इसके साथ में देते हैं आलू की सब्जी, और ये जरा कचौड़ी का वाह क्या बात, ओ भाई साहब, मतलब पूरी खस्ता कचौड़ी, उसके अंदर पिट्ठी बहुत सारी बढ़िया डली हुई है, खुशबू बहुत मज़ेदार है। तो एक काम करें, इसको अपना खाते हैं थोड़ा, साथ में आलू की सब्जी है, साथ में इनकी स्पेशल चटनी है, कौन सी मेथी वाली चटनी है भैया? मेथी, हरी चटनी पुदीने की, ठीक है सही। चलिए, इस मौसम में और कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया, ऊपर से ये वाली खस्ता कचौड़ी जो 70 साल से सर्व हो रही है यहाँ पे, और अंदर ना जो अभी ये बताओ क्या क्या पड़ा हुआ है, आप तो बनाने वालों में से हो। चलिए मैं हमारा मास्टर शेफ करते हैं। आई कैन सी दाल है, और जीरा है, सौंफ है, हरी लाल मिर्च ऑफ कोर्स, नमक है। और आप एक काम कीजिए, सिर्फ कचौड़ी खाइए, और कचौड़ी का स्वाद ही कहते ना, आम खाओ पेट नहीं गिनते, गुठली नहीं गिनते, कुछ 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 वैसा था। सही, मैं आपको लेके चलती हूँ समोसे की तरफ, क्योंकि बारिश तेज हो रही है और गरम गरम समोसे खाने। मैंने गरम गरम का मतलब क्या होता है, ये समोसे हमारे सामने यहाँ डले हैं, अभी इनको कितना टाइम लगेगा जी? और 5 मिनट और लगेंगे, और मुझे लगता है 5 मिनट में ना, जो मैंने टिक्कू जी से वादा किया था कि आप मुझे कचौरी और समोसे खिलाओ, बारिश हम करवाएंगे, तो बस वही बात हो गई है।
सही। सो ये है इनके बांके बिहारी जी के समोसे, बहुत ही बढ़िया वाले। मैं आपको बता देता हूँ, ये शॉप लगभग 60 साल पुरानी है। पहले शॉप का नाम होता था निहाल समोसे वाले, अब इनका नाम है श्री बांके बिहारी समोसे वाले। बिकॉज ये मंदिर जो है, जो जो गली, जिस गली में ये है वहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है। एंड समोसा गरम गरम, हाँ एकदम धार समोसा है ये तो। ये धुएं निकाल देगा। मेरा फेवरेट पार्ट होता है एक क्रस्ट वाला, तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत कर रही हूँ। गरम क्रंची यमी, बारिश के लिए परफेक्ट। ऊपर से उठा के खाने वाला। एंड अपना अपार्ट फ्रॉम यू नॉर्मल आपको चटनी हर जगह मिलती है, समोसे भी देते हैं। एंड लेट मी सी हाउ दिस समोसा एट बांके बिहारी समोसे वाला। आनंद, एक्चुअली आई वाज अबाउट टू से बिल्कुल आनंद है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार। दिस इज लाइक द रियल समोसा, समोसा जैसे होता है समोसा बिल्कुल वैसे है। वी हैव जस्ट टॉक टू द ओनर्स एंड इनकी डेडिकेशन, उनकी कहानियां सुन के लगता है कि भैया दे हैव ट्राइड टू, यू नो, उन्होंने पूरी जो मेहनत, जिस मेहनत से बने हुए हैं, दुकान उनका नाम है, उन्होंने उसको अच्छे तरीके से रिटेन किया है। सही, तो हमने समोसे खा लिए, कचौड़ी खा ली बिल्कुल, और अब नंबर है गुलाब जामुन का, तो खाएं जी बिल्कुल। आप तो ऐसे ही, हाँ चम्मच भी नहीं। ओ भाई साहब पूरा, चलिए 1 2 3। हाँ गुलाब जामुन जन्नत है, इनके गुलाब जामुन जन्नत है भाई। आई एग्री, नो फैंसी थिंग, सिंपल गुलाब जामुन जैसा होना चाहिए है बिल्कुल वैसा गुलाब जामुन। गर्मी में खाओ, सर्दी में खाओ, बारिश में खाओ, बिल्कुल परफेक्ट। यू कैन हैव दिस गुलाब जामुन एनी पॉइंट ऑफ डे एंड स्पेशली यू शुड ईट। मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपने तो पक्का खाना चाहिए। अगर आपने बांके बिहारी के गुलाब जामुन नहीं खाए तो आपने कुछ नहीं खाया। यू नीड टू, कचौड़ी खा चुके हैं, समोसे खा चुके हैं, गुलाब जामुन खा चुके हैं। अब भैया से हमें सब एक चीज़ पूछनी है कि ये जो विजयंत भैया हमारे यहाँ पे, जिनको प्यार से पूरा मोहल्ला शेंकी के नाम से जानता है, कि इनका क्या जादू है जो इनके दादाजी ने शुरू किया, इनकी पूरी फैमिली उसको कंटिन्यू कर रही है, और आज आप वही समोसे, वही जो जादू है बिखेर रहे हो, क्या क्या, व्हाट हाउ हैव यू कंटिन्यूड द जादू? सही है, 1960 में मेरा दादाजी ने स्टार्ट किया था, जिनका नाम निहाल चंद सोनी था, और आज भी हमारी शॉप पे वहीं से ही मसाले आते हैं, सेम वही शॉप, सारी चीज़ें वहीं से ही हैं, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सेम जो भी बिल्कुल इन जो भी हम डालते हैं मसाले आज भी वहीं से ही हैं, सेम सब कुछ पहले जैसा ही है, बल्कि हम प्रॉपर ये चीनी की प्लेट भी तब भी यूज़ करते थे और आज भी वही यूज़ करते हैं। सही है। और 1960 से लेके 2021 तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आज भी हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपए के 16 समोसे हमारी शॉप पे खाए हैं। 1 रुपए के 16 समोसे, यस 1 रुपए के 16 समोसे मिलते हैं, यानी एक आने का, बिकॉज एक अपना उसमें 16 आने होते हैं। बिल्कुल सही, तो मतलब अपना बड़ी पुरानी शॉप है और यू नो अपना 61 ईयर्स हो गए हमारी शॉप को, 26 जनवरी 1960 में स्टार्ट की थी मेरे दादाजी ने और अब 2021 चल रहा है। आप कंटिन्यू कर रहे हैं लेगेसी? वही लेगेसी हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सुपर, और बेस्ट चीज़ें क्या होती हैं आपके यहाँ पे खाने के लिए? बेस्ट है समोसा, गुलाब जामुन एंड कचौड़ी। सही, तो वो हम खा चुके हैं। और सावन में हमारे घेवर। अरे हाँ घेवर है, घेवर हमने ट्राई नहीं किया, अभी घेवर ट्राई करते हैं। एंड थैंक यू शंकी भैया फॉर कंटिन्यूइंग द लेगेसी और सबको वही स्वाद देने का जो आपके अपना दादाजी निहाल जी ने शुरू किया था। लो जैसे जी, हमने तो भूल के घेवर तो खाया नहीं हमने, तो एक बाइट तो बनती है, बिल्कुल बनती है, एक एक नहीं पर, एक एक नहीं, एक एक में हमारा क्या होगा ना यार, मतलब ये ऐसी बातें कर रही है, मतलब मैं बोलूं तब भी जायज़ है, इनका शरीर देखो, इनकी डाइट देखो, लेकिन आप भागते भी हो। भागना भी ज़रूरी है, देखिए खाना खाइए, सब कुछ खाइए और उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। तो जो भी हमारा इंडियन फूड है, हम कहते हैं नॉन हेल्दी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेशन में हर चीज़ खाई हुई, एकदम स्वाद भी और सेहत भी। सो मैं आपको ये कह देता हूँ कि जस्सी जी ने मुझे बोला है वेट कम करने के लिए, जैसे 500 लोगों ने और बोला है, और मैं उस
कहते ना रास्ते पे चलना शुरू कर दिया जिसमें मैं वेट कम करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा शायद थोड़ा सा कम हो, अगली बार थोड़ा और कम हो सकता है 20 एपिसोड बाद काफ़ी कम हो। प्रॉमिस, ये आप सबके सामने प्रॉमिस है। सही, उल्टा नहीं हो जाना चाहिए ना। नहीं नहीं देखो बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कंट्रोल करके कम ही करेंगे। लीजिए जी, आ गया घेवर भी हमारा खोए वाला। सही, तो इसके ऊपर घेवर के ऊपर डला हुआ है बढ़िया सा खोया, यानी कि मलाई है, मतलब एक्चुअली मलाई घेवर ही कहते हैं। हाँ, और साथ में है अपना बादाम, पिस्ता, वरक, और ये गई बाइट। सो घेवर की एक बाइट लेके बता देते हैं कि आपको घेवर है कैसा। मैं वहाँ भी चखो, व्हाई शुड आई ओनली गेट मोटा। चलो जी, लेट्स डू इट। ये ऊपर खोया लगा हुआ है, A1। दिस इज रियली 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 वेरी गुड। जो आपका घेवर है, घेवर का जो क्रस्ट है, घेवर का जो टेक्सचर है, साथ में ऊपर जो मलाई कह लो लगी हुई है, साथ में ऊपर पिस्ता है, दिस इज लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बिलीव मी, दिस इज लाइक अ वेरी वेरी यू नो देसी टच टू इट। अरे बाबा, वेरी वेरी देसी टच, कोई बात नहीं, वेरी वेरी देसी टच टू इट। 360 रुपए किलो है, एंड यू कैन ऑर्डर देयर स्टफ फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी ऑल्सो, एंड दैट इज ओके।